मैं कांग्रेस लीडर्स को पूछना चाहता हूँ, एसडीपी को बैन करना बोलकर कांग्रेस लीडर बोल रहे ना, आपका यूपीए का हुकूमत में जो नरोड पार्टिया हुआ गुजरात का दंगे में, उसमें नंबर वन अक्यूज बाबू बजरंगी, बजरंग दल का स्टेट प्रेसिडेंट रहने के बावजूद बीजेपी का मिनिस्टर माया कोन्नानी को लाइफ सेंटेंस होने का बाद यूपीए गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों बैन नहीं किया? एंटी कन्वर्जन बिल इसलिए ला रहे हैं कि इधर फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है। कर्नाटक के 6 करोड़ आवाम के सामने कितना फोर्सफुल कन्वर्जन का एफआईआर अब तक दाखिल हुआ है। हर दिन एक कम्युनल इशू लेके आएंगे, अजान, हलाल, बिजनेस को बायकॉट करना। पुलिस पीएसए रिक्रूटमेंट का स्कैम है 300 करोड़ रुपीस का, और हर मजलूम हमारा है, चाहे वो दलित हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, पिछड़े तबके हो। क्योंकि कांग्रेस इसको, आरएसएस और बीजेपी को फाइट करने में कामयाब नहीं है, जेडीएस कामयाब नहीं है। कम्युनिटी सोचना चाहिए जो कि जिस आपके लिए कौन काम कर रहे हैं। कांग्रेस में इवन मुस्लिम लीडर्स को भी फ्रीडम नहीं है काम करने का, बात करने का फ्रीडम नहीं है। बाबरी मस्जिद हो गया, इसमें चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्जिद हर दिन मुस्लिम कम्युनिटी का मस्जिदों का बारे में ये लोग लेकर आएंगे, ये चुप बैठना नहीं है। बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में भी हम काम करेंगे और एहतजाजी पॉलिटिक्स में भी हम काम करेंगे और लोगों का खिदमत का काम में हम लगे रहेंगे। गुलबर्गा में आज हमारे नेक्स्ट आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है, वो असेंबलीज का इलेक्शंस का कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेस्ट करना है और कैंडिडेट का लिस्ट लेने के लिए हम लोग आए हैं। जी मधु सर, आज जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, इस तरह से आप गुलबर्गा में आपकी प्रेस मीट भी हुई, किन इश्यूज पर आपने बात की, क्या है मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीन इश्यू है। एक इशू अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट जो एंटी कन्वर्जन बिल जो ऑर्डिनेंस का जरिए जो लाए गए हैं, इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक का खिलाफ है जो ऑर्डिनेंस लाना, क्योंकि इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो काउंसिल में इसका डिबेट होना चाहिए था। ये लोग एंटी कन्वर्जन बिल इसलिए ला रहे हैं कि इधर फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है। मैं आपका माध्यम से हुकूमत को पूछना चाहता हूं और डीजीपी कर्नाटका को मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आप कर्नाटक के 6 करोड़ आवाम के सामने कितना फोर्सफुल कन्वर्जन का एफआईआर अब तक दाखिल हुआ है? तो ये लोग इस बिल इसलिए लाया है मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी, तीनों कम्युनिटी के ऊपर हरास करने के लिए, और बहुत हरास होगा। क्योंकि ये जो बिल आप पढ़ेंगे तो इस बिल में ये है, अगर कन्वर्जन का बारे में किसी को मालूम हो कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले क्या था, जो किसको फोर्सफुली कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल मुझे फोर्सफुली कन्वर्जन किया, मैं कंप्लेंट करना पड़ता है, मुझे फोर्सफुली कन्वर्जन करना। अभी ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी, उसका फैमिली वाले खोली, कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकता है। अगर किसी के ऊपर किसी को दुश्मनी है तो ये बता सकता है कि एंटी कन्वर्जन हो रहा है। अपने आप को जो आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो प्रूव करना पड़ता है, मैं नहीं किया हूँ। तो ये बहुत टॉर्चर करने का एक मामला है, ये लॉ को रखले हुए पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को इसमें हरास करने के लिए बनाया। और सर क्या नुकसान होंगे? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, जो देखिए रिलीजियस फ्रीडम है इंडिया के अंदर, कोई भी आदमी किसी कोई भी एक इसको रिलीजन को अपना सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा हो गया, कोई लोग जाके कंप्लेंट कर दिया, आपके ऊपर दुश्मन है, कंप्लेंट कर लिए, तो अरेस्ट कर सकते हैं, और खुद उसने प्रूव करना पड़ेगा कि मैं नहीं किया है। ये बहुत बड़ा मुश्किल आता है, ये इसको बिल को यूज़ करते हुए हरास करने का एक मामला है। ये किस लिए अब लाए हैं लोग इसको, इतना ये क्योंकि गवर्नमेंट टोटली फेल्योर है, करप्शन इतना हो गया है। जो पीएसआई का स्कैम जो है 300 करोड़ का जो स्कैम है, इसमें पूरे गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो इसको रिक्रूटमेंट करता है, गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस रिक्रूटमेंट एजेंसी, इस लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, तो ये होम मिनिस्टर का अंडर में आता है। तो ये सारे चीज जो भी चर्चे में है, इसको डाइवर्ट करने के लिए बिल लाया गया है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हाईकोर्ट में हम लोग इस बिल के खिलाफ हम चैलेंज करने वाले हैं ये बिल के बारे में। दूसरा मुद्दा ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक टोटली बुम्माई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद टोटली फेल्यूर है। हर दिन एक कम्युनल इशू लेके आएंगे, अजान, हलाल, बिजनेस को बायकॉट करना,
इस कम्युनिटी को टारगेट करते हुए काम करेंगे। इस वजह से आया, बहुत सारे मिनिस्टर्स डायरेक्टली एमपी एमएलए से खुद एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं और जहर फैलाते हैं, तो इसलिए इधर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या है, टोटली स्कैम, हर दिन एक स्कैम, स्कूल का आंगनवाड़ी का बच्चों का एक का स्कैम हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म का स्कैम हो गया, और 40% कमीशन जो हर डिपार्टमेंट में जो पार्टी कर, ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका मोदी साहब को लेटर लिखते हैं। अभी एक आदमी खुद बीजेपी का आदमी बड़गाम का संतोष पाटिल खुदकुशी किया, उस वजह से ईश्वरप्पा रिजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि उसका खुदकुशी को ईश्वरप्पा रीजन है, FIR भी हो गया ईश्वरप्पा के ऊपर। और हर दिन एक स्कैम, अभी PSA का स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट में बिटकॉइन स्कैम, हर दिन एक स्कैम है। पुलिस PSA रिक्रूटमेंट का स्कैम है 300 करोड़ रुपीज का, बीजेपी का लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, कंचन कांग्रेस का लीडर्स भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं चल रहा है, डेवलपमेंट का बात ही नहीं है, टोटली स्टेट ऑफ कर्नाटका स्टेटमेंट का हुकूमत फेल्योर है। इसलिए इधर राष्ट्रपति का जो रोल लाना चाहिए, प्रेसिडेंट रोल इधर आना चाहिए। सर, जिस तरह से SDPI ग्राउंड पर काम कर रही है, SDPI के लोग लेके जो लोगों के अंदर जो सोच है, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको बैन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, इसमें मैं आवाम को पूछना चाहता हूँ, या जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं इनको पूछना चाहता हूँ, क्यों SDPI को बैन करना चाहिए? 13 साल का SDPI का हिस्ट्री में SDPI किसी एक मजहब के बारे में, यानी मजहब का खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक जात का नाम लफ्ज में ऊपर कभी भी नहीं किया, बिजनेस बायकॉट करने का काम नहीं किया, जात का नाम पे, रिलीजन का नाम पे लोगों को बंटवारा करने का काम नहीं किया। अगर एक प्रूफ भी ये लोग लेके आएंगे ऐसा एक लोग काम जात का खिलाफ या धर्म का खिलाफ बात, एक प्रूफ भी अगर लेके आएंगे तो मैं मानता हूँ हम गलत हैं। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके लिए लड़ रहे हैं, और हर मजलूम हमारा है, चाहे वो दलित हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, पिछड़े तबके हो, स्टूडेंट्स हो, हर इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग इसलिए हम लोग को कर रहे हैं क्योंकि SDPI BJP RSS इसका जो आइडियोलॉजी है, जो BJP जो एंटी पीपल, इसका खिलाफ हम लोग अनकॉम्प्रोमाइज्ड हम प्रोटेस्ट कर ले कर रहे हैं, हम अनकॉम्प्रोमाइज्ड बोल ले कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इसको RSS और BJP को फाइट करने में कामयाब नहीं है, JDS कामयाब नहीं है, SDPI क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज है इस पे, जो ये जो फैसिस्ट ताकत का खिलाफ अनकॉम्प्रोमाइज हम लोग जो लड़ले करें, इसलिए ये सारे चीज़ ये लोग जो माहौल बनाते हैं कि इनको बैन करना चाहिए। अगर बैन करना ही है तो RSS और बजरंग दल जितने भी ये तंजीमें हर दिन, क्योंकि 2 बार RSS बैन भी हो चुका है, महात्मा गांधी जी का कत्ल में, और गौरी लंकेश का कत्ल कौन किया, MM कलबुर्गी का कत्ल कौन किया, हर दिन जो इश्यू कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये लोग, ये इश्यू गुजरात का अंदर 2000 मुसलमानों का कत्ल कौन किया, नरोड पाटिया में 97 लोगों को जो मारा गया उसका नंबर 1 अक्यूज्ड है माया कोन्नानी, जो मिनिस्टर ऑफ BJP है, जो वुमेन एंड चिल्ड्रन का जो मिनिस्टर है, 28 ईयर्स का जेल हुआ उनको, लाइफ सेंटेंस हुआ 28 ईयर्स का, और उसका और एक वो भी वही इश्यू में नंबर 1 अक्यूज है बाबू बजरंगी, बजरंग दल का स्टेट प्रेसिडेंट था तब UPA हुकूमत। अब मैं कांग्रेस लीडर्स को पूछना चाहता हूँ, SDPI को बैन करना बोलकर कांग्रेस लीडर बोल रहे ना, आपका UPA का हुकूमत में जो नरोड पाटिया हुआ गुजरात का दंगे में, उसमें नंबर 1 अक्यूज बाबू बजरंगी, बजरंग दल का स्टेट प्रेसिडेंट रहने के बावजूद BJP का मिनिस्टर माया कोन्नानी को लाइफ सेंटेंस होने के बाद UPA गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों बैन नहीं किया? ये आपका गलती को छुपाने के लिए SDPI का नाम लेते हैं, बस यही बात करना चाहते हैं। जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर धर्म की राजनीति की जा रही है, वहीं आप वही कम्युनिटी के लेकर आप जो है ना आवाज उठा रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त आप लोगों को उस कम्युनिटी का सपोर्ट क्यों नहीं है? देखिए, कम्युनिटी सोचना चाहिए जो कि जिस आपके लिए कौन काम कर रहे हैं, आपका लीडर कौन है पहचानना चाहिए। हर इश्यूज के बारे में, जो कि हिजाब इश्यू आया, कोई कांग्रेस का लीडर बात करने के लिए मना, उनका स्टेट प्रेसिडेंट DK शिवकुमार बोलते हैं कांग्रेस वाले बात नहीं कर रहे हैं। अभी हुबली में
हुबली के इंसिडेंट के बाद बहुत सारे मासूम लोगों को जेल में डाला गया, उस फैमिली के लिए जो लोग उसका वो उस घर का ब्रेड अर्न कर रहे थे वो लोग जेल में गए, तो उस फैमिली को देखना जिम्मेदारी है कम्युनिटी का। उस टाइम में ज़बीर अहमद खान कुछ रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ ऐलान वगैरह किया, तो कांग्रेस उसको रोकने का कोशिश करे, कांग्रेस उसको उसको स्टॉप करे, तो कम्युनिटी क्या क्या गलत किया है ये लोग, उनका फैमिली जो हुबली में जो भी हुआ गलत हो या सही हो लोग किया है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर वो फैमिली क्या गलती किया, उस फैमिली को रेशन देने में क्या गलत है, कांग्रेस उसको रोकता है। यानी कि कांग्रेस में इवन मुस्लिम लीडर्स को भी फ्रीडम नहीं है काम करने का, बात करने का फ्रीडम नहीं है। डीके शिवकुमार डिसाइड करना है कि कौन सी इश्यू में बात करना है कौन सी इश्यू में नहीं बात करना है। अगर ये माहौल में इनको भरोसा कर लेकर रखेंगे कम्युनिटी, मैं आपका माध्यम से कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ, पहचानिए आज़ादी के 75 साल में भी आपका जो पॉलिटिकल जो डिसीशन से ही ये हालात हो गया है। जब तक अपने आप को एक ताकत आप लोग नहीं बनाएंगे, अपने आप एक पॉलिटिकल सोच नहीं करेंगे, अपने आप को एक पॉलिटिकल बार्गेन ग्रुप आप नहीं बनेंगे, बहुत बड़ा नुकसान इस कम्युनिटी को होने वाला है, ये आप लोग सोचना चाहिए। तो गुजरात में जिस तरह से एक कश्मीरी पंडित को जो है ना मर्डर किया गया, पता नहीं उसको क्या कहना चाहिए। देखिए ये जो इसका ये जो है ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है, अमित शाह का फेल्यूर है, उसका होम मिनिस्ट्री का जो भी फेल्यूर है ये जो है, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 आने के बाद जो उधर प्रेसिडेंट रूल है, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का हुकूमत निकाला और उस प्रेसिडेंट रूल आया, हम लोग सब ठीक करेंगे, टेररिस्ट को आप ठीक करेंगे, लाखों लाखों पुलिस फोर्स उधर डाले उसका बावजूद भी ये नहीं रोक रहे, आपका फेल्यूर है, तो इसलिए इसका फेल्यूर का जिम्मेदारी सेंट्रल हुकूमत और अमित शाह लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मुल्क के मस्जिदों का भी टारगेट किया जा रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों ने तस्लीम किया, उसके बाद दूसरे मस्जिदों को भी जो है टारगेट करके उठाया जा रहा है। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी इसमें सबक सीखना है, मुस्लिम कम्युनिटी इसको सबक लिखना है, क्योंकि बाबरी मस्जिद हो गया इसमें चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्जिद हर दिन मुस्लिम कम्युनिटी का मस्जिदों का बारे में हर इश्यूज़ के बारे में अपना जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में या अपना शरीयत के बारे में ये लोग लेकर आएंगे, ये चुप बैठना नहीं है, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा इतजाज होना चाहिए, इसको क्वेश्चन करना चाहिए, अपना हुकूक के लिए मुस्लिम कम्युनिटी एक होकर लड़ना चाहिए। एसडीपीआई का जो आंदोलन चल रहा है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, किस कहां तक चलेगा? देखिए हम लोग जब तक इधर जो एंटी पीपल पॉलिसी आएगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी आएगा, जो चाहे रूलिंग का कांग्रेस जेडीएस बात करेंगे नहीं बताने हमना को मतलब नहीं है, हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी और एक ऑपोजिशन होके हर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो इश्यू एंटी पीपल पॉलिसी ये लोग लाएंगे, जो भी हुकूमत चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो चाहे जो भी हुकूमत आने वाले, इसका साथ एहतजाज करेंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी हम काम करेंगे और एहतजाजी पॉलिटिक्स में भी हम काम करेंगे और लोगों का खिदमत का काम में हम लगे रहेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। हम आवाम की सियासत करते हैं, हम पावर के लिए ये जो शोबाज का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि हम आवाम के साथ हैं, आवाम के बीच में रहते हैं, आवाम का सियासत हम करते हैं। गुलबर्गा में आपका दौरा हुआ, क्या मकसद क्या विजन लेकर आते हैं? देखिए हम जो गुलबर्गा में आज हमारे नेक्स्ट आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है वो असेंबलीज का इलेक्शंस का कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेस्ट करना है और कैंडिडेट का लिस्ट लेने के लिए हम लोग आए हैं और दूसरा जो भी इश्यूज उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ गुफ्तगू होगा। हर हमारा एसटीपी का लीडर्स हर कर्नाटक का हर जिला को दौरा कर रहे हैं और असेंबली इलेक्शंस का तैयारी में हम लगे हैं।